नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है कि अगला कौन सा है, तो अगला लेवल है हमारे पास स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में अगर आपका कंपनसेशन अमाउंट, आपके प्रोडक्ट का अमाउंट 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, तो आप स्टेट कमीशन जाइए। यहां पे कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट के साथ 2 मेंबर्स और होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाएंगे। अगर या इसके बाद अगर आपकी इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं विद इन द 30 डेज। इसके जो ऑर्डर पास होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। इसके बाद जो है वो है नेशनल कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेटअप करेगा। इसके अंदर प्रेसिडेंट होंगे, यहां याद रखेंगे वहां 2 मेंबर्स थे, यहां पे 4 मेंबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी, और अगर आपकी 1 करोड़ से वैल्यू ज्यादा है तो आप नेशनल कमीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। तो ये अपने 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म से। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर के पास। उस डिफेक्ट को सेलर रिमूव करेगा या प्रोडक्ट को रिप्लेस करेगा, कंज्यूमर को रिफंड पे करेगा, कंपनसेशन पे करेगा, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको डिसकंटिन्यू करेगा, और आगे से जो हैजार्डियस गुड्स और सर्विसेज है उसकी सेल नहीं करेगा, और उन हैजार्डियस गुड्स को अपने सेल में से विड्रॉ कर लेगा, मतलब उनकी आगे वो सेल कंटिन्यू नहीं करेगा। उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस, आपको पता है बहुत सारी एनजीओज होते हैं जो कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, तो इन एनजीओज का क्या रोल है? देखिए, कंज्यूमर को एजुकेट करना है, क्या क्या उनके पास राइट्स हैं, उनको ट्रेनिंग देना है और सेमिनार्स और वर्कशॉप कंडक्ट करा के कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। टाइम टू टाइम मैगजीन्स वगैरह, पीरियोडिकल्स वगैरह प्रिंट करने हैं ताकि कंज्यूमर्स को हम एजुकेट कर पाए। अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई लीगल असिस्टेंस की जरूरत है, लीगल सहायता की जरूरत है, तो हमें कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करानी है। तो ये जो कंज्यूमर अवेयरनेस एनजीओज होते हैं ये भी इंश्योर करते हैं कि लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड हो। उसके बाद प्रोड्यूसिंग फिल्म्स और कैसेट्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा, तो ये एज अ प्रूफ कैसेट्स और जो फिल्म्स वगैरह वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, ये कंप्लेन भी फाइल करते हैं, कंज्यूमर्स को इनकरेज भी करते हैं अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लोइटेशन हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट केस फाइल करे, तो कंज्यूमर को इनकरेज करते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केस इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स, सो दे ऑल्सो यूज टू फाइल द केसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये आपने देखा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर था, सारी चीजें हमने इसमें कवर करी। इस वीडियो की जो नोट्स है उनको भी आप कॉपी कर सकते हो और अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। अगर आप इतना इस चैप्टर में से कर लेंगे तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।